कि रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि उनके जो छोटे भाई हैं उन्हें लेकर के प्रशासन ने कल जो कुछ टिप्पणी की उससे लेकर वो नाराज है। दरअसल आपने देखा होगा कि शुक्रवार को वोटिंग के दौरान बाड़मेर जैसलमेर का स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ट्वीट्स किए गए थे और उसमें कहा गया था कि रविंद्र सिंह भाटी के छोटे भाई जिले भर में घूम घूम करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील कर रहे हैं और इसीलिए पुलिस प्रशासन की ओर से ये रिक्वेस्ट ये निवेदन किया गया था कि रविंद्र सिंह भाटी के जो छोटे भाई है वो जल्द से जल्द जिले की सीमा से बाहर चले जाएं। इस तरह की जो बात है वो पुलिस प्रशासन की ओर से कही गई थी और उधर उम्मेदवार बेनीवाल ने भी लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ कुछ पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई है, कपड़े फाड़े गए हैं। और अभी आज सुबह ही उम्मेदवार बेनीवाल ने कुछ पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने जिसमें देखा गया था कि वो अपने समर्थकों से मिलने जो कि इस मारपीट के दौरान कथित रूप से घायल हुए उनसे मिलने हॉस्पिटल गए थे। तो वहीं अब इधर बालोतरा में रविंद्र सिंह भाटी ने ये जंग छेड़ दी है, वो हटने को तैयार नहीं, सीधे तौर पर प्रशासन पर उनके आरोप है। फिलहाल बाड़मेर जैसलमेर से पंजाब केसरी संवाददाता दुर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्ग, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस धरने को लेकर वो जरा बताएं। निश्चित तौर पर इशिका, मैं बता दूं कि रविंद्र सिंह भाटी और उनके सारे समर्थक, जहां मैं अभी लाइव जुड़ा हूं उससे थोड़ी दूर आगे इस जबरदस्त गर्मी में डटे हुए हैं। एसपी से अभी उन्होंने मुलाकात की उनके प्रतिनिधि दल ने और मांगे रखी है। दरअसल इनकी मांगे हैं, इनकी बात है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि चुनाव के दौरान उनके समर्थकों के साथ जो माफ करें जिस तरीके से बर्ताव किया गया और चिन्हित कर करके जिस तरीके से पुलिस ने उनको डिटेन किया, उनके खिलाफ मुकदमे किए, साथ ही साथ उनके समर्थकों के जो वाहन है उनको सीज कर दिया गया, इन सारी बातों को लेकर वो यहाँ जवाब मांगने आए हैं। उनका ये कहना है कि भले ही मुझे गिरफ्तार कर लीजिए लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर उनको और उनके समर्थकों को चिन्हित करके क्यों उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकारी मशीनरी इसमें क्यों टूल बन रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस का गलत तरीके से उपयोग उनके विरोध में जो सत्ता दल और विपक्ष है वो कर रहे हैं और ये भी उनकी चेतावनी है कि जब तक उनको एक संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है उच्च अधिकारियों से, जिम्मेदार लोगों से, तब तक वे इस धरने में पार्टिसिपेट करेंगे। इस धरने में वो एसपी ऑफिस के सामने डटे रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जोधपुर संभाग मुख्यालय से पुलिस को बुलाया गया, अतिरिक्त जाप्ता बाड़मेर से पुलिस आई है, बालोतरा पुलिस जाप्ता भी यहाँ तैनात है। तो सरकार और पुलिस इस पूरे मामले में अच्छी तरीके से निपटे कैसे यह भी सोच रही है और दोनों तरफ से अभी तक एक तरीके से पेशोपेश की स्थिति में है। कोई भी बात का निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं है, भीड़ अभी तक जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि अगला जो बातों का दौर चलेगा उसके बाद यह मामला समाप्त होता है या फिर ये आंदोलन अगले और कुछ दिन चलेगा। इशिका, अच्छा दुर्ग, ये 1.5-2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं इस धरने प्रदर्शन को लगातार चलते हुए, बड़ा हुजूम लोगों का देखा जा रहा है, रविंद्र सिंह भाटी मौजूद है, प्रशासन की ओर से या किसी जिम्मेवार अफसर की ओर से रविंद्र सिंह भाटी के साथ किसी तरह की कोई बातचीत की गई है अभी तक? देखिए इशिका, मैंने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पर एसपी जो है उनसे, बालोतरा एसपी से, इनके प्रतिनिधि मंडल से मंडल की बात हुई है लेकिन उस बात का फिलहाल कोई नतीजा सामने नहीं आया है। तो संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि जो रेंज आईजी है विकास कुमार वो भी जोधपुर से रवाना होकर बालोतरा पहुंच सकते हैं और अगली जो वार्ता का दौर होगा तो उसमें संभवतः इस मामले का पटाक्षिक होने की उम्मीद है। और जो रविंद्र सिंह है वो भी बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि मैं एसपी से एक दिन पहले मिल के गया, उनसे बात करके गया लेकिन रिस्पांस कोई मिला नहीं। उसके बाद अब अगर उनसे मैं बार बार बात करता हूँ तो कोई मतलब नहीं है, अगर आईजी खुद या दूसरे जो सक्षम अधिकारी है वो यहाँ पर आते हैं तो वो बात करके और न्याय की जो डिमांड है वो पूरी होगी तो वे धरना खत्म कर देंगे। जी, अच्छा दुर्ग, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदवार बेनीवाल भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि उनके समर्थकों के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनके कुछ एक समर्थक है जो घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती है। क्या सच्चाई है इसमें?
देखिए, न केवल उमेदा राम बल्कि कांग्रेस के हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी ने भी, जब उनके उन्हें सूचना मिली कि एक मरुड़ी गांव है और साथ ही साथ यहाँ पर एक और थूमली गांव है, वहां पर जब घटनाओं की जानकारी मिली तो हरीश चौधरी खुद वहां पर जी पहुंचे, हेमाराम चौधरी भी की आवाज आने पर तो यहाँ ये कहना निश्चित तौर पर सही होगा कि लगातार दोनों पक्षों की ओर से इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, लेकिन पुलिस इस प्रकरणों को दर्ज कर चुकी है। हालांकि उम्मीदवार बेनीवाल के समर्थकों के कई मुकदमे दर्ज भी हुए हैं, लेकिन रविंद्र भाटी का ये कहना है कि उनके समर्थकों के जो मुकदमे, जिनके साथ मारपीट हुई, जिनका जिनके साथ एक तरीके से मॉब लिंचिंग हुई, उनके मुकदमों को अभी तक जी दर्ज नहीं किया गया है और गंभीरता से पुलिस ले नहीं रही है। जी जी और ये जो पुलिस प्रशासन कल से लगातार ये अपील कर रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कि रविंद्र सिंह भाटी के जो छोटे भाई है वो लगातार मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए ये अपील की गई कि वो जिले की सीमा छोड़कर के बाहर चले जाए, तो ये छोटे भाई का क्या पूरा मैटर था ये जरा बताएं। देखिए, ये सवाल पंजाब केसरी ने आज जब धरने पर बैठे रविंद्र भाटी से पूछा था, तो जी हमने भी उनसे ये कहा कि आपके खिलाफ तो पुलिस भी ये कह रही है कि आपका भाई जो है वो वोटर्स को प्रभावित करता है। तो उनका ये कहना था कि मेरा भाई किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक संगठन में नहीं जुड़ा हुआ है, वो राजनीति नहीं करता है। चूंकि जैसलमेर जब और बाड़मेर वहां पर इनके आपसी रिश्तेदारियां भी हैं, तो वो वहां पर आता जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उनका ये कहना है कि हरीश चौधरी से लगाकर दूसरे जो कांग्रेस के नेता है, जो अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे थे लोकसभा चुनाव के जी समय, उनके लिए क्या ये नियम लागू नहीं होते हैं? तो उनका ये कहना है कि सिर्फ नियम जो है उसकी आड़ में उनके लोगों को प्रताड़ित क्यों जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, जबकि नियम सबके ऊपर समान रूप से लागू होने चाहिए। इसी का जी चलिए दुर्ग, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।